अगर हमारी कंट्री में किसी को सरकारी टीचर के लिए अप्लाई करना है तो उसके दिमाग में सबसे पहले दो ही पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। पहला हो गया बीएड और दूसरा हो गया बीटीसी। लेकिन भाई 11 अगस्त को, ये बीता हुआ 11 अगस्त जो है, इसमें भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जिसमें भाई उसने एकदम क्लियर कर दिया कि जिसने बीएड करा हुआ है वो प्राइमरी के टीचर्स को अब नहीं पढ़ा पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअली में होता क्या है। 2018 में आपको पता होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऑर्डर निकाला था जिसमें भाई कि अब से कोई बीएड करेगा तो उसके लिए भाई टीचिंग लाइन प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए खुल जाएगी, यानी कि भाई वो सरकारी में 5th क्लास तक का के बच्चों को पढ़ा पाएगा। भाई जिसने बीएड कर रखी है वो प्राइमरी टीचर के बच्चों को पढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगा, लेकिन भाई बीटीसी वाला बिल्कुल मान्य होगा। इसके बाद भाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर और भी कई जगहों पर स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा धरना दे रखा है भाई, इस समय लगभग भाई हर जगह जाम कर दी थी स्टूडेंट्स ने। अभी भी फिलहाल भाई लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं जिसने बीएड कर रखी है वे इस समय गुस्से में आए हुए हैं। भाई हमने 2 साल मेहनत करने के बाद में बीएड कंप्लीट करी, लेकिन ये डिग्री अब हमारे कहाँ काम आएगी। सबसे पहले तो जानते हैं भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में क्या कहा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 के तहत प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शामिल नहीं है बल्कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी शामिल है। कोर्ट में बीएड डिग्री धारकों के बारे में कहा है कि उनके पास प्राइमरी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इस वजह से वो प्राइमरी कक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे। NCTA की अधिसूचना से जुड़ा हुआ, तो सबसे पहले बताता हूँ NCTA क्या है। NCTA भाई हमारी पूरी कंट्री के शिक्षकों के लिए उनकी योग्यता प्रदान करती है। योग्यता बताती है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास तक का के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। 2018 के नियम के तहत जो बीएड कर सकता है वो भाई अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकता है, ये निर्णय आया था। लेकिन भाई उसके बाद में लगभग लाखों की संख्या में लोगों ने भाई बीएड कर लिया है। अब ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, वे ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें भाई न्याय चाहिए, जो हमने इतनी मेहनत करके ये करी है लिए हमारे कहाँ काम आएगी। लेकिन ऑफिशियली भाई अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई निर्देश नहीं आया। कई राज्यों में पिछले 5 सालों में भी बीएड डिग्री वालों को प्राइमरी शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दी गई है। कई राज्यों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, वहीं कई राज्यों में नियुक्ति करने की बात कही थी। अब इन सब भर्तियों को क्या होगा? क्या सरकार जिनको नियुक्ति दे चुकी है उनको हटाएगी? सरकार के फैसले के कारण लाखों लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं, सरकार को कोई भी फिक्र नहीं है। ये है जजमेंट बीएड करने वाले बच्चों का। बाय द वे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर।